एक संत के प्राण छूटे और एक डाकू के प्राण छूटे। एक संत मरा और एक डाकू मरा, दोनों मरे। संत भी मरा, डाकू भी मरा, दोनों ऊपर गए यमलोक में। तो यमराज ने पहले डाकू से पूछा, तुम कौन हो? डाकू बोला, मैं डाकू हूं, सबके डाका डालता था, सब मेरे डाका डालने से रोते थे, कई लोगों को मारा भी मैंने, पीटा भी मैंने, कई लोगों की हत्या भी मैंने कर दी, सबका धन लाया, निपटा गया, खा गया, सब अपने खर्चे में लगा दिया, मैंने दुनिया के लोगों को बहुत दुख दिया है, मैं डाकू था, मैंने दुनिया को कष्ट दिया है, पर मैं आपके चरणों में खड़ा हूँ, आप जैसा कहोगे वैसा मैं अपने कर्म का दंड भोगने को तैयार हूं। मैंने गलती करी है, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने दुनिया के लोगों को लूटा, क्षमा चाहता हूं। मैंने बेईमानी करी, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने दुनिया के लोगों को मारा, क्षमा चाहता हूं। मैं डाकू हूं, मैं डाकू था और डाकू हूं। मैंने लूटा, मैं क्षमा चाहता हूं। डाकू ने जब कहा, डाकू के शब्द जब सुने, तब यमराज ने कहा, ठीक है, आपने दुनिया के लोग यहां आते हैं तो अपनी गलती को छुपाते हैं, पर आपने अपनी गलती को बताया है, कोई बात नहीं, ठीक है। संत को देखा, यमराज ने संत को कहा, आप कौन हैं? मैं संत साधु, तपस्या में लगा रहता था, तप करता था, साधना करता था, तब इतना भयंकर भयंकर मैंने तप करा कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया, ऐसा मैंने तप, ऐसा मैंने साधना, ऐसी मैंने आराधना करी है, ठीक है, ये बड़ी कृपा है आपके ऊपर जो आपने इतनी तप साधना करी। डाकू ने कहा, मेरे लिए कोई दंड हो, मेरे लिए कोई कार्य हो तो बताओ। यमराज ने कहा, तुम्हारा दंड केवल इतना है, जाओ इस संत की सेवा करो, ये जो संत मर कर आया है इसकी सेवा करो। डाकू ने कहा, सरकार आपकी जो आज्ञा, जो प्रभु आपकी कृपा, मेरे राघव जी की जो मर्जी। डाकू खुश हो गया, संत की सेवा मैं कर दूंगा। अब डाकू खुश हो गया, पर संत नाराज हो गए। संत ने कहा, ये कैसा निर्णय यमराज, तुम्हारा निर्णय कैसा है यमराज, ये तुम्हारा निर्णय है? एक डाकू को मेरी सेवा में लगा रहे, जिस डाकू ने अगर मेरे को स्पर्श कर लिया, इस डाकू ने अगर मुझे छू लिया तो मेरा करा हुआ सारा पुण्य समाप्त तो हो जाएगा, ये डाकू को मेरी सेवा में लगा रहे? ये डाकू मुझे छूना नहीं चाहिए, इसने डाका डाला है, लोगों का कत्ल करा है, लोगों को मारा है, मैं पवित्र जीव, मैं पवित्र आत्मा, मैंने संत हूं, मैं साधु हूं, मैंने भजन करा, तप करा, साधना करी, और तुम मेरे सेवा में डाकू को लगा रहे? इस डाकू को तो मुझे छीना छूना भी नहीं चाहिए, ये छुए भी ना मुझको। यमराज ने कहा, वो डाकू तुमसे बड़ा हो गया, डाकू होकर भी क्षमा याचना करता रहा, और महाराज जी आप पवित्र थे, तप करा था, साधना करी थी, इसीलिए तो डाकू को आपकी सेवा में लगाया था कि आपका मात्र स्पर्श हो जाता तो वो डाकू का भी कल्याण अपने आप हो जाता, अपने आप। पर इतना अहम, इतना अहंकार अपनी उस तप साधना पर, जिसमें तुम एक डाकू का भी कल्याण नहीं कर सकते, एक डाकू का तप साधना। फिर निवेदन करूंगा, आपकी तप साधना, चलते चलते शिव का नाम ले लो, चलते चलते भगवान का भजन कर लो, चलते चलते स्मरण कर लो।